सोनाली फोगाट का एक और वीडियो आया सामने। परिवार ने हरियाणा सीएम से मिलकर लगाई ये गुहार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा के ड्रग्स के काले कारोबार का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में यहां सामने आ चुका है कि सोनाली फोगाट की मौत ड्रग के सेवन से हुई है। सोनाली फोगाट को मेथामफेटामाइन ड्रग दिया गया था, जो कि सीधे नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच में सोनाली फोगाट का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो गोवा के उसी रेस्टोरेंट से बताया जा रहा है जहाँ सोनाली फोगाट की तबीयत खराब हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 सीसीटीवी फुटेज में सोनाली की मौत से पहले के बताए जा रहे हैं। अंजुना के कार्लीज रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज से लिए गए ये वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। एक वीडियो में फोगाट को सुधीर सांगवान के साथ में डांस करते देखा जा सकता है। सांगवान को फोगाट की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में फोगाट अपने सर पर एक विशेष प्रकार का बैंड लगाती हुई नजर आ रही है। वीडियो में सांगवान उन्हें जबरन पानी पिलाता हुआ भी दिख रहा है, जिसे वहां तुरंत ही थूक देती है। पुलिस महानिरीक्षक कॉमवीर सिंह बिश्नोई ने पहले संवाददाताओं को बताया था कि सांगवान ने पानी में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे कि उनकी मौत हुई थी। दूसरे वीडियो में फोगाट को आरोपी द्वारा ले जाते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में वहां लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है और रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय वहां सीढ़ियों पर करीब करीब गिरती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह और रेस्टोरेंट के मालिक एडविन और कथित मादक पदार्थ तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर को गिरफ्तार किया है। सिंह और सांगवान पर हत्या के आरोप है, जबकि गांवकर और एडविन के खिलाफ में स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत में मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि हरियाणा सरकार गोवा सरकार को पत्र लिखकर भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच कराने की मांग करेगी। मृतक भाजपा नेता सोनाली फोगाट के परिवार के सदस्यों ने यहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में सोनाली फोगाट की बहन रुपेश ने कहा कि सीएम खट्टर ने हमें आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच होगी और हमें न्याय मिलेगा, अब सब कुछ सामने आएगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ जबरदस्ती किया गया था। सोनाली ने मुझे बताया कि उसके साथ में कुछ गलत किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।